बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफरेंशियल इक्वेशन में आज हम बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन में, वो हमने लीनियर इन वाई यानी डी वाई बाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, ये लीनियर इन एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी, लीनियर इन एक्स। और डी एक्स ओवर डी वाई प्लस फंक्शन ऑफ वाई इंटू एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, ये लीनियर इन वाई डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये लीनियर इन एक्स डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट टाइम हमने ये दोनों डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी हैं। अब इसी से मिलती जुलती एक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे वो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। इनमें और बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फ़र्क है, कभी आप गौर करें तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई पावर एन, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी यहाँ पर इसी टाइप की है, लेकिन यहाँ पर इस तरफ वाई की किसी पावर से मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा, ये एन जो होगा इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा। वाई की पावर हो सकती है वन, हो सकती है पाई की पावर टू, हो सकती है थ्री, हो सकती है कोई भी वाई की पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकती है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहेंगे ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जब पता चल जाए आपको कि ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपने क्या करना है कि ये जो वाई पावर एन है इससे आपने इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड कर देना, या आप ये समझें कि y पावर माइनस n से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना डिफरेंशियल इक्वेशन को। जब आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y पावर माइनस n dy वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई पावर, ये वन माइनस n करने से y पावर वन माइनस n हो जाएगा इज इक्वल टू ये फंक्शन ऑफ x रह जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ये जो y पावर माइन वन माइनस n है इसको इज इक्वल टू कोई वेरिएबल पुट कर लेंगे, लेट्स से z पुट कर लेते हैं। अब इससे क्या होगा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये दोबारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है जी x dy वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग ऑफ x, तो यहाँ से dy वाई बाई डी एक्स चूँकि साथ x है थ्रू आउट इसको डिवाइड कर दिया, तो ये वन ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स आ जाएगा। तो अब कभी गौर करें तो ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई भी आ गया इज इक्वल टू ये फंक्शन ऑफ एक्स आपको नज़र आ रहा है और वाई पावर समथिंग से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, ये फंक्शन ऑफ एक्स, ये क्यू ऑफ एक्स है, इसको आप पी ऑफ एक्स कह लें और ये डी वाई बाई डी एक्स है। ये बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्या उसी मेथड के मुताबिक ये वाई स्केयर है ना, तो वाई पावर माइनस टू से मल्टीप्लाई कर लिया आपने, यानी वाई स्केयर पर डिवाइड कर दिया सारी डिफरेंशियल इक्वेशन को। जब आपने डिवाइड किया या मल्टीप्लाई वाई पावर माइनस टू से किया तो वाई माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन ओवर एक्स इंटू वाई पावर माइनस टू इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स, तो ये वाई पावर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन ओवर एक्स वाई पावर माइनस वन रह जाएगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स। अब ये जो वैल्यू था इसको हमने इक्वल टू जी पुट कर लिया, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लिया माइनस वाई पावर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी जी ओवर डी एक्स, यहाँ से वाई पावर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी जी ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन वन है इसको यहाँ पर इसकी जगह पर हमने माइनस डी जी ओवर डी एक्स पुट कर दिया प्लस वन ओवर एक्स, इसकी जगह पर जी लगा दिया इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स, तो ये डी जी ओवर डी एक्स माइनस वन ओवर एक्स इंटू जी माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स। तो अगर आप गौर करें तो ये देखें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जी बन गई है। देखें ये डी जी ओवर डी एक्स माइनस ये फंक्शन ऑफ एक्स है इंटू जी है इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन जी बन गई यहाँ से आपको नज़र आ रहा है। तो अगर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जी है तो इट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जी, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर होगा ई पावर पी ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पे जो ई पावर यहाँ जो पी ऑफ एक्स है वो माइनस वन ओवर एक्स है, तो ई पावर माइनस वन ओवर एक्स डी एक्स ये आपके पास बन जाएगा ई पावर माइनस लॉग ऑफ एक्स, यानी लॉग ऑफ एक्स पावर माइनस वन, तो एक्स पावर माइनस वन यानी वन ओवर एक्स इसका इंटीग्रेशन फैक्टर आ जाएगा। इसका सोल्यूशन होगा जी इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, चूँकि अब वाई की जगह पर जी है, क्यू ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर डी एक्स, यहाँ पर क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू लगाई माइनस लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स वो ओवर वन ओवर एक्स डी एक्स, तो ये माइनस लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स स्क्वायर बन जाएगा और ये एक्स माइनस टू इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया। अब इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन हमने रख लिया और इसको
सेकंड फंक्शन रख लिया। तो इंटीग्रेशन बाई फार्स का यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे कि जी इंटू वन ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग फर्स्ट फंक्शन लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल यानी वाई एक्स पावर माइनस टू की जो इंटीग्रेशन है वो एक्स पावर माइनस वन ओवर माइनस वन माइनस अब लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर माइनस टू यानी एक्स पावर माइनस वन ओवर माइनस वन। तो ये आपके पास लॉग ऑफ एक्स माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स और ये एक्स पावर माइनस वन ओवर आके एक्स पावर प्लस वन हो जाएगा। तो ये लॉग ऑफ एक्स प्लस ये सारी टर्म जो है वो लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स हो जाएगी। ये माइनस माइनस प्लस और इस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा ये वन ओवर एक्स केयर आ जाएगा। एक्स पावर माइनस वन एक्चुअली वन ओवर एक्स है तो जब वन ओवर एक्स इस वन ओवर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो वन ओवर एक्स डी एक्स हो जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन एक्स पावर माइनस वन ओवर माइनस वन प्लस सी। तो जी ओवर एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स ओवर एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस और ये वन ओवर एक्स प्लस सी। अब एक्स से मल्टीप्लाई किया तो जी इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स आ जाएगा। अब दोबारा चूँकि आपने जी को इज इक्वल टू वाई पावर माइनस वन था तो जी की जगह पे वाई माइनस वन दोबारा पुट कर लिया। वाई माइनस वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स और ये वन ओवर वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस सी एक्स प्लस वन या वाई इज इक्वल टू वन ओवर लॉग ऑफ एक्स प्लस सी एक्स प्लस वन। ये आपके पास इसका जो है वो रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन हो गया बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का।